नहीं, आश्वासन की अब जरूरत नहीं, अब तो बहाली की जरूरत थी ना। आश्वासन किस में जरूरत क्या थी, इसको तो तुरंत विज्ञापित करके बहाली करने की जरूरत थी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर लगातार सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको हम बता दें, तमाम विपक्ष के नेता जो हैं वो सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों से मिल रहे, वहीं आश्वासन भी दे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। वहीं देखा जाए तो सत्ता पक्ष के कोई नेता तमाम अभ्यर्थियों से मिलने अभी तक नहीं गए। वहीं आपको हम बता दें, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों के साथ आज रामबली चंद्रवंशी जो कि राजद के MLC हैं वो पहुँच गए धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं उनसे हमने बात किया तो उनका क्या कुछ कहना था वो सुने आप लोग। आंदोलन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तरफ बिहार में जब शिक्षकों के पद लगभग 3.5 लाख से ऊपर पद खाली हैं और हर महीने शिक्षकों की एक बड़ी तादाद रिटायर भी हो रहे हैं, और दूसरे तरफ है शिक्षक के अभाव में ये यहाँ विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं जो BEd किए हुए हैं, एक तो कि बिहार में सेशन लेट है, 3 साल का कोर्स जो है पूरा करने में 5-6 साल लगता है, 6 साल के बाद वो BEd कर लिए, DELED कर लिए, सीटें पास, उसके बावजूद भी अगर इन अभ्यर्थियों को धरना पर प्रदर्शन पर बैठना पड़े यह सरकार के लिए दुर्भाग्य है। क्या बोल रहे हैं, पाँच दिन से धरना प्रदर्शन यहाँ जो भारतीय विपक्ष का रोल इन अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा, अभी तक 5वें दिन आप लोग आए हैं, क्या रोल रहेगा? विपक्ष तो हमारा नैतिक समर्थन तो पहले से मिल रहा था, अब हम इसको बिल्कुल मेरे शरीक होकर किसान आंदोलन में भाग लेकर के हम लोग समर्थन करना चाह रहे हैं। बाकी जो सदन का काम था, हम लोगों ने सदन में सरकार को इस पर हमारे नेता और हमारे पार्टी ने आईना दिखाया था, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, यह नहीं सुन रही है, तो आंदोलन के अलावे आपके बीच में कोई रास्ता नहीं बचता है, और उस आंदोलन में हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष, पूरा महागठबंधन इसके साथ है। शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी होती तो भारत का ही जो वैधानिक संस्था है नीति आयोग, उसने जो अभी रिपोर्ट दिया है उसमें सबसे फिसड्डी बिहार को क्यों माना, यह तो उन्हीं से सवाल पूछता है, उन्हीं का बना हुआ सरकार का आयोग, इसलिए यह बात झूठ मूठ के कहने से बात नहीं बनती है। बिहार की शिक्षा की हालात क्या है, स्वास्थ्य की हालात क्या है, ये आप और हमसे छिपी हुई नहीं है, इसको आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, और अगर ये सरकार से नहीं संभल रही है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसको आंदोलन के लिए लोगों को, बिहार के जनमानस को तैयार रहना चाहिए। यह बिहार सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जब शिक्षक BELED किए हुए, DELED किए हुए, BEd किए हुए, अगर अभ्यर्थियों को अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़े तो यह बिहार के लिए शिक्षा व्यवस्था के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। नहीं, आश्वासन की अब जरूरत नहीं, अब तो बहाली की जरूरत थी ना, जब दूसरे तरफ वैकेंसी खाली है और ये एलिजिबल हैं, योग्यताधारी हैं, तब फिर आश्वासन। तो आपने सुना राजद MLC है रामबली चंद्रवंशी, उनका साफ साफ कहना है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कड़ी परिश्रम करते हैं, लगातार डिग्री जो है वो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी बहाली जो है वो नहीं होती है। देखा जाए तो उनका साफ साफ कहना है कि तमाम जो डिग्री लेने के बाद भी हैं जो अभ्यर्थी, वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बहुत गलत हो रहा है इन अभ्यर्थियों के साथ। वहीं उनका साफ साफ कहना है कि लगातार सदन में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं तमाम अभ्यर्थियों की। वहीं उनका साफ कहना था कि तमाम अभ्यर्थियों को सरकार जो है वो बहाल करे और जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति कर 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करे। देखना ये होगा कि कब तक बहाली होती है। फिलहाल आप रामबली चंद्रवंशी को सुन रहे थे, और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।